भारत अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में अनार की खेती में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। उत्पादन में बढ़ोतरी, हालांकि हमेशा ये अच्छी खबर नहीं होती, क्योंकि हमारे अनार उत्पादन का केवल 2% ही निर्यात किया जाता है और इसी कारण अधिक उपलब्धता से प्रायः बाजार में कहीं ज्यादा आवक हो जाती है, जिससे इसके दाम गिर जाते हैं। इस समस्या का समाधान, भारत में लगभग 40% अनार उत्पादन का प्रसंस्करण अधिक लाभ कमाने हेतु किया जा सकता है और राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ICAR NRCP के अधिदेशों में इस उच्च मूल वाले उत्पाद के लिए नई उपयोगिता एवं मार्केटिंग रणनीतियों का विकास करना शामिल है। अनार फलों के पूर्णतः उपयोगिता के लिए कई सारी प्रसंस्करण तकनीकियां विकसित की है। इनमें से अनार से जूस और रेडी टू सर्व बेवरेज की निर्मिति, अनार से मिनिमली प्रोसेस्ड एरिल्स और अनार के बीजों से तेल का निष्कासन और अनार के जूस से वाइन की निर्मिति इत्यादि शामिल है। जो तकनीकियां अनार अनुसंधान केंद्र ने विकसित की है, इनको भारत भर में कई सारे उद्यमियों को हस्तांतरित किया गया है और इस तकनीकी हस्तांतरण के कारण कई सारे नए बिजनेस स्टार्टअप्स खुले हैं। इन स्टार्टअप्स के आने के कारण इस फलों को मांग मार्केट में काफ़ी बढ़ी है और इससे किसानों के समृद्धि के द्वार खुले हैं। अनार जूस का प्रसंस्करण। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र ICAR NRCP के द्वारा एक उच्च परिणाम उन्मुख अनार प्रसंस्करण संयंत्र का विकास किया गया है। प्रसंस्करण कार्य फलों की धुलाई करने से प्रारंभ होता है। ICAR सीफेड द्वारा विकसित एरिल एक्सट्रैक्टर, जिसे बेहतर प्रदर्शन के लिए संशोधित किया गया है, इसका प्रयोग करके अनार के बीज चोल को निकाला अथवा हटाया जाता है। हाइड्रोलिक दबाव से निकाले गए शुद्ध जूस को प्लेट में तथा फ्रेम फिल्ट्रेशन इकाई में छानने के बाद पुनः प्रसंस्कृत किया जा सकता है। तापीय उपचार के लिए छाने गए जूस को शेल तथा ट्यूब पॉस्चराइजर में भेजा जाता है, जहां गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सेंसर वाले रिटर्न वॉल्व से सही तरीके से पॉस्चराइजेशन सुनिश्चित होता है। प्रक्रिया में बॉयलर्स का प्रयोग करने से बचा जाता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीनों से बोतलों को भरने के बाद उन्हें पैक करके वाटर बाथ में रख दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया को एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनार को धोना, चोल को हटाना, उनका पूर्व उपचार करना और इन्हें पैक करना शामिल है। अनार के बीज चोल का पहले से उपचार करने से इसकी निधानी आयु अथवा जीवन काल को 14 दिनों तक बढ़ाने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने अनार से कार्बनीकृत RTS बेवरेज बनाने में सफलता हासिल की है। उसकी ग्राहकों में अच्छी मांग है। पाश्चरीकृत जूस में TSS स्तर को समायोजित करके तथा खमीर अथवा यीस्ट संवर्धन का उपयोग करते हुए इसे किसी इनक्यूबेटर अथवा बायोरिएक्टर में किण्वित करके अनार की शानदार वाइन बनाई जा सकती है। अनार अनुसंधान केंद्र ने जूस निर्मिति के उपोत्पाद बीजों का उपयोग मुंह को ताजगी देने वाले मुखवास बनाने में किया है। अनार के फलों अथवा बीजों से निकाला गया शुद्ध अनार बीज तेल एक अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद मांग है। NRCP ने इस प्रक्रिया का पेटेंट फाइल किया है। संयुग्मित वसा अम्ल से भरे हुए इस तेल में अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। तेल निकालने के बाद वसा रहित अनार बीज की गुठलियों का उपयोग उच्च रेशा अनार कुकीज के स्वरूप में
खाद्य पदार्थ पर किया जा सकता है। अनार के फलों से अन्य इनोवेटिव उत्पाद तैयार किए गए हैं। अनार छिलका पाउडर और उत्तर भारतीयों द्वारा खाना बनाने में मसाले के रूप में उपयोग किया जाने वाला अनार दाना। अनार प्रसंस्करण की कई तकनीकियों का हस्तांतरण नौजवान उद्यमियों को किया है और उनको अनार प्रसंस्करण इकाई लगाने में सहयोग दिया है। बेहतर प्रसंस्करण के साथ हृदय के लिए स्वास्थ्यकर अनार अब विश्व भर में अनेक दिलों को जीतने के लिए तैयार है।